नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। मैंने दोस्तों आपको कल भी बताया था कि 30 जुलाई 2024 को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मनरेगा योजना की जो है समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, और इस समीक्षा बैठक में मनरेगा संविदा कर्मचारियों से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा यहाँ पर की, जिसमें दस्तावेज सत्यापन, निर्धारित प्रपत्रों में भिजवाने, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की डिग्री डिप्लोमा संबंधित बोर्ड विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूट से वेरीफाई करवाने की सूचना, साथ ही विदाउट पब्लिक एडवर्टाइजमेंट से कार्यरत संविदा कर्मचारियों की सूचना, और जो ऐसे कनिष्ठ तकनीकी सहायक जिन्होंने संविदा अवधि के दौरान कोई डिग्री डिप्लोमा अर्जित किया ऐसे कार्मिकों की सूचना, और निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं रखने वाले कनिष्ठ तकनीकी सहायक यानी कि JTE की सूचना यहाँ पर मांगी गई थी। अब यहाँ पर जो बैठक कार्रवाई विवरण जारी कर दिया है, और मैं बता दूँ इसमें करीब 1100 संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण को लेकर बात कही गई है। करीब 1148 जो संविदा कर्मचारी हैं वो अभी तक उनके नियमितीकरण की जो सूचना है जो निर्धारित 9 वर्ष या उससे अधिक के समय अवधि हो चुकी है, करीब 1148 ऐसे कार्मिक हैं। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, अब यहाँ पर 2 वर्ष की छूट देने पर अब जो 2017 में जो नियुक्त कनिष्ठ तकनीकी सहायक हैं या अन्य जो भी कार्मिक हैं वो भी अब इस दायरे में आने स्टार्ट हो गए, उनके भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्द ही यहाँ पर शुरू होंगे। मैं बता दूँ मनरेगा संविदा कर्मचारी जिनको 9 वर्ष या इससे अधिक की समयावधि हो चुकी है उनको नियमित किया जा रहा है। वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा में माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा ने संविदा सेवा नियम 2022 के अनुभव में 2 वर्ष की जो शीतलता है उसकी छूट दिए जाने को लेकर घोषणा यहाँ पर कल परसों ही की थी। इसीलिए अब वर्ष 2017 में जो नियोजित कार्मिक हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के कार्मिक हो, चाहे वो लेखा सहायक हो, कनिष्ठ तकनीकी सहायक हो, MIS हो, डेटा एंट्री ऑपरेटर हो, जो भी वर्ष 2017 में लगे हैं वो भी अभी इस दायरे में आएंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पर जो बैठक कार्रवाई विवरण है वो यहाँ पर जारी कर दिया। आप देख सकते हैं इन्होंने कहा है कि शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में महात्मा गांधी नरेगा योजना की प्रगति समीक्षा समस्त जिलों के अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अधिशासी अभियंता EGS के साथ 30 जुलाई को 12:30 बजे विषय के माध्यम से आयोजित की गई। तो दोस्तों ये जो बैठक है पहले 11 बजे होनी थी, लेकिन ये बैठक जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई समीक्षा बैठक वो 12:30 बजे आयोजित की गई, और बैठक में विस्तृत चर्चा एवं समीक्षा उपरांत निम्नानुसार निर्देश प्रदान किए गए। पहले जो डायरेक्शन है वो वृक्षारोपण को लेकर दिए गए, जो कार्रवाई समस्त जिलों से अपेक्षित है। MJSA 2.0 के अंतर्गत जो कार्रवाई समस्त जिलों से अपेक्षित है। तीसरा जो पॉइंट है, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स। इसमें सबसे पहले बिंदु इन्होंने रखा कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत लिए जाने वाले कार्मिकों की योग्यता, दस्तावेजों एवं पदस्थापित वर्षों को सत्यापित कर दिनांक 31 जुलाई 2024 तक जिलों द्वारा विभाग को सूचना प्रेषित की जाए। ये दोस्तों जो सूचना है वो समस्त जिलों से मांगी गई है, यानी कि इन्होंने एक बार फिर से समस्त जिलों को जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को डायरेक्शन जारी किए हैं कि आपके अधीन जो जो कर्मचारी CSR रूल्स 2022 के तहत नियोजित हैं ऐसे कार्मिकों की योग्यता दस्तावेज और पदस्थापित वर्ष यानी कि उनको कितने वर्ष का अनुभव है उसका सत्यापन कर सूचना जो है 31 जुलाई तक भिजवाए। साथ ही ये जो कार्रवाई है वो यहाँ पर समस्त जिलों से करनी है, और जिलों से प्राप्त 1100 संविदा कर्मचारियों की सूचना के आधार पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा स्क्रीनिंग का कार्य 31 जुलाई 2024 से प्रारंभ किया जाएगा, और ये जो कार्रवाई है अतिरिक्त आयुक्त प्रथम EGS के स्तर से होगी। तो मैं बता दूं करीब मनरेगा के 1100 से ऊपर करीब 1148 की जो सूचना है अभी तक आई है, करीब 1148 जो संविदा कर्मचारी हैं उनके नियमितीकरण की जो प्रोसेस है वो राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा की जाएगी। अब मैं बता दूं वर्ष 2017 में जो नियोजित जो कार्मिक है वो भी इस दायरे में आएंगे, और ये जो संख्या है 1148 या 1100 जो भी है वो इसमें बढ़ोतरी होना तय है, क्योंकि वर्ष 2017 में नियोजित जो कार्मिक हैं वो भी अब उनको भी
तीन वर्ष होने हैं, क्योंकि पूर्व जो अनुभव है उनके पहले 6 साल हो रहे थे, दो साल हो गए और 3 साल ये तीसरी साल ये हो गई, यानी कि 3 साल जो सेवा अवधि है उनको पूरी हो रही है, वो भी इससे जो नियमितीकरण की जो प्रोसेस है उसमें शामिल होंगे। तो यहाँ पर दो दोस्तों आप देख सकते हैं, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत लिए जाने वाले कार्मिकों की योग्यता दस्तावेज एवं पदस्थापित वर्षों को सत्यापन कर 31 जुलाई 2024 से समस्त जिलों से सूचनाएँ यहाँ पर मांगी है। साथ ही जिलों से प्राप्त 1100 संविदा कर्मचारियों की सूचना के आधार पर राज्य स्तरीय स्टेट जो कमेटी है, जो स्क्रीनिंग कमेटी है, उनके द्वारा स्क्रीनिंग का कार्य 31 जुलाई 2024 से प्रारंभ किया जाएगा। साथ ही बैठक में अन्य जो डायरेक्शन है पूर्ण अपूर्ण कार्यों को लेकर, जियोटेक को लेकर, रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन को लेकर और CPM और CMO संपर्क पोर्टल की जो है शिकायतों को लेकर भी डायरेक्शन यहाँ पर जारी किए। आप देख सकते हैं जुगल किशोर मीणा जो अतिरिक्त आयुक्त हैं EGS, उनके डिजिटली साइनों से ये पत्र जारी किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो यहाँ पर योग्यता है संविदा कर्मचारियों की और जो पदस्थापित जो अनुभव है उसकी सूचना समस्त जिलों से 31 जुलाई तक मांगी है, यानी कि कौन कौन से कार्मिक कार्यरत हैं, उनकी क्या डिग्री है उनके पास और यहाँ पर उनको कितने वर्ष का अनुभव है, इसकी जो संपूर्ण जो बायोडाटा की जो सूचना है वो 31 जुलाई तक मांगी है। और 1100 से अधिक जो संविदा कर्मचारी हैं जो जिलों से सूचना प्राप्त हुई है, जिनको 9 वर्ष से अधिक का समय हो रहा है, ऐसे 1100 संविदा कर्मचारियों की नियमितीकरण की जो प्रोसेस है वो 31 जुलाई से प्रारंभ की जाएगी राज्य स्तरीय कमेटी द्वारा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।